हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में 21 फरवरी 2024 को एसएससी जीडी में जो प्रथम पाली में मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पी और टाइम एंड वर्क से है। पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 30 दिनों में। पी और क्यू मिलकर के 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर उसी काम को 37.5 दिन में, मतलब 37.5 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन? क्यू और आर मिलकर कितना दिन में? तो 37.5 दिन में। आगे देखते हैं, आर और पी मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर और पी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 150 दिनों में। अब बोला तीनों एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम से क्या हो जाएगा, टोटल काम निकाल लेंगे पहले, तो टोटल काम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 80 संख्या एलसीएम मतलब कोई तीनों से, ये इन तीनों से वो कटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 150 लेंगे, ठीक है। तब तो छोटी संख्या लेना चाहिए, तो 150 है। 30 से कितना बार में कट जाएगा? अब यहाँ पर उनकी क्षमता निकालेंगे, यानी एक दिन में या एक बार में कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो पी और क्यू अगर एक करना होगा तो कितने दिनों में करेंगे? 30 दिन में 150 ढोएंगे तो एक दिन में कितना, मान लीजिए 8 है, तो 150 ईट 30 दिन में ढोएंगे तो एक दिन में कितना ढोएंगे? 5। क्यू और आर मिलेंगे अगर तो कितना ढो सकते हैं? 5 के बीच, यानी 7 के 4 दिन में। आर और फिर 1, ठीक है। अब बोला तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो इसमें जोड़ देंगे 5 4 9 5 4 9 1 10, तो 21 का हो जाएगा। पी ई प्लस ए कितना हो जाएगा, ये 2 पी प्लस क्यू प्लस आर, तो कितना आ गया एक दिन का? 10। 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि दो दो बार इनमें आ रहे हैं ना, दो दो बार आ रहा है इसलिए। तो 2 से ये 5 बार में ख़त्म, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर यानी तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना ईंट हटा सकते हैं? 5। टोटल ईंट है 150, तो कितने दिनों में हटाएंगे, यही तो पूछ रहा था। तो 30 दिनों में पूरा आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है एवरेज से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 शिक्षकों का औसत आयु 64 वर्ष है। 22 शिक्षकों का औसत आयु 64 वर्ष है, यानी 22 × 64 कर लेंगे तो 64 दुना। आगे देखते हैं फिर, उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए शिक्षक क्या पूछ रहा है? तो पुराना वाला निकाल लेंगे पहले, तो 22 × 14 22 × 88 22 × 6 = 132 132 × 8 = 140, यानी 1408 हो गया पुराना। नया शिक्षक आ गया तो पहले 22 थे तो अब कितना हो जाएगा, 23 शिक्षक हो जाएंगे। इनटू अब क्या बोला, औसत में भी एक वृद्धि हो जा रहा है एक वर्ष, तो पहले 64 वर्ष था, तब हो सकता है मोटा ताजा आदमी आ गया, तो कितना हो गया, ये 65 वर्ष हो गया, ठीक है। अब देखते हैं वो कितने के जी के हैं, तो 23 × 65 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1495। 23 × 5 = 115, 115 × 5 11 हासिल, 23 × 6 = 18, 138 138 11 कितना हो जाएगा, 149, यानी 1495, ठीक है, 1495। तो पहले जो मेहमान थे 22 वो शिक्षक थे, तो उन लोगों का 64 वर्ष था। जो अगला शिक्षक आए हैं तो उनसे क्या हो गया, पूरा एवरेज ही एक वर्ष बढ़ गया, ठीक है। तो पहले 64 था, अब 65 हो गया। अब देखिए यही तो होगा, तो पहले कितना था, 1408, अब कितना हो गया, 1495। तो एक ही आदमी तो आया है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 87 ईयर, यानी 87 ईयर बढ़ गया उसके आने से, यानी उसका वजन कितना है, 87 kg। ये मास्टर साहब का वेट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रेंगल हुज बेस इज 5/7 ऑफ इट्स हाइट एंड हुज एरिया इज, मतलब एरिया दिया गया है, हाइट मानना है और बेस दिया गया हाइट का। जैसे देखिए, मान लेता हूँ इसका त्रिभुज का पहले क्षेत्र है, सॉरी ट्रेंगल है ना, ट्रेंगल का एरिया ऑफ ट्रेंगल, अरे यार हम लोग हिंदी मीडियम वाले यार, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो क्या बोला है, ऊंचाई मान लेते हैं x है, तो आधार उसका 5/7 गुना है, यानी 5x/7। यहाँ पर आपका क्षेत्रफल दिया है कितना, 18.207 लिख देते हैं, 1000 कर देते हैं,
ठीक है। अब देखिए, यह 2 से 500 बार में ये कट जाएगा। चलो किस इसका सॉल्यूशन आप लोग करके करिएगा, ठीक है। तो 5x² / 14, तो इसका आगे बताइएगा x का मान कितना आ रहा है, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोडमास से है। इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, 27 × 50, 25 तब दिया है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसका अगर देखिए, पहले क्या करते हैं बोर्ड मास में, पहले कोष्टक वाला हटाते हैं। तो कोष्टक 27 × 50 दिया है, तो 27 × 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 × 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 × 5 = 7, 5 × 5 = 35, 2 × 5 = 13, 135, यानी यहाँ हो जाएगा 1350 / 25, ठीक है। यहाँ तक काम खत्म हुआ। अब ये क्या है, इसका अभी कोष्टक करते हैं। तो 15 - 1 ये कितना हो जाएगा, 15 - 14 तो 1 हो जाएगा इसका मान, तो 5 हो गया ये। तो गुणा 5 प्लस ये डिवाइड वाला कर लेते हैं, तो 800 / 25, तो 25 से 800 कितना बार में कट जाएगा, तो 25 + 75 बचा 5, 25 × 2 = 50, यानी 32 बार में। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से 1 कट जाएगा कितना बार, 5 × 2 = 10, 3 बचा 5 = 35, 0 270 बार में, 270 + 32 कितना हो जाएगा, 302, यानी आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा समझने लायक है। 5 नंबर बोल रहा है, ऊपर जो लगा हुआ है ना उसको बार बोलते हैं। ये जैसे किसी भी संख्या पे जैसे लग गया तो इसको बार बोलते हैं, ठीक है। दिया है 2.3 पे बार प्लस 4.3 पे बार का मान क्या है, तो चलिए हम इसको देखा बताते हैं। जिस पर बार नहीं है क्या करना है इसको, जैसे देखिए 2., चाहे छोड़िए लिखना, लिख लेता हूँ पहले। अब देखिए इस पर यह लिख लिया मैंने, तो जिस पर बार नहीं लगा है उसे क्या करना है, घटा जैसे पूरा लिख देना है पहले, ठीक है। 2.3 का बार है तो यानी यहाँ हम क्या लिख देंगे, 23, ठीक है, बटा में जिस पे बार लगा है, ठीक है, जिस पे बार लगा है तो उसको जैसे कहते हैं मतलब उसको टैग लिख देना है, मतलब 2.3 है तो सॉरी 23 लिख दिए उसको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जिस पे बार नहीं लगा है, तो इधर इस पे नहीं लगा है ना, इस पे बार नहीं लगा है तो उसको क्या करना है, घटा देना है। तो किस पे बार नहीं लगा है, 2 पे, तो क्या लिखा है, तो 2 पे 2 घटा देंगे। जिस पे बार लगा है जितने अंकों पे अंक गिनना है तो उतने बार नीचे 9 लिखना है, तो यहाँ पे 9 लिख दिए प्लस प्लस। आगे देखिए सेम ऐसे ही, 43 - 4 पे नहीं लगा है तो 4 घट जाएगा, 1 अंक है इसमें तो 1 पे 1 बार 9 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 23 - 2 कितना हो जाएगा, 21 / 9 प्लस 43 - 4 कितना हो जाएगा, 39 / 9, ये कितना हो जाएगा, 39 × 41 = 60, 60/9, इसको वो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 × 9 = 20 बार में, यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा 20/3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं का 10% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल वस्तुओं का लाभ कितना होगा, चलिए देखते हैं इसको। कुल वस्तु यहाँ पे हो जाएगा, मान लेते हैं कुल वस्तु कितना है, कुल वस्तु 100x, ठीक है। अब बोल रहा है कुछ कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पे, यानी 70% इसका कितना हो जाएगा, 70x, 70x को क्या कर रहा है, 20% के लाभ पे, यानी 120/100, 0 से 0 कटा दिए थे, 12/10, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, जान लीजिए 120/100, 1 0 से 1 0 ये, 1 0 से 1 0 ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 84x यहाँ हुआ। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि शेष वस्तुओं को तो 70% बेच दिया था, अब कितना बचा, 30%, तो 30% को क्या बोल रहा है कि 10% की हानि पे, ठीक है, यानी 30x जो वस्तु है तो उसको 10% की हानि यानी 90% पे बिक्री कर रहा है, 1 0 2 0 1 0 2 0, तो 3 × 27x ये कितना हो गया, 27x। ये याद रखिएगा, ये CP है इसका,
सौ एक्स, ठीक है, ये बिक्री हो गया, तो 84 ये प्लस 27 में बिक्री किया, तो जोड़ देते हैं, बोला है लाभ कितना हुआ ना, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो 84 या 27 कितना हो जाएगा, 7 4 11 के 1, 8 2 10 1 11, यानी 111 एक्स में बेचा है, 100 एक्स में खरीदा था, 111 एक्स में बेच रहा है, तो लाभ कितना हुआ, तो 11 11 11 एक्स लाभ हुआ, कितने पे, 100 एक्स पे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, तो 100 से 100 ख़त्म, एक से एक्स ख़त्म, यानी कितना हो गया, 11%, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, कर लेते हैं, इसमें भी थोड़ा ध्यान है और सावधानी जरूर बरतना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि हल्का है तो हल्का है, दशमलव के बाद बहुत वो होता है, तो 0.5 का स्क्वायर है, दशमलव एक बार है, दशमलव के बाद एक अंक है और स्क्वायर है, तो यानी ये 25 तो हो जाएगा ही 25, लेकिन दशमलव 25 होगा, ठीक है, दो अंक के बाद आ जाएगा ना, दो अंकों के बाद, यहाँ क्या है, दो अंक है, दशमलव के बाद दो अंक है, 25 तो होगा ही, 25 5 25 हो जाएगा ये, ठीक है, 50 25 हो गया, तो ये कितना है, दो दशमलव के बाद दो अंक है, यानी 4 अंक आएंगे, तो दो अंकों हो गया, 1 3 हो जाएगा ये, 1 4 उसके बाद दशमलव, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 0 दशमलव, तो 0.25 25, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 16/25 बेचने पर हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना उसका, 100x, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो उसके अंकित मूल्य के 16/25 पे, यानी इसके 16/25 पे बेचने पे, 16/25 पे बेचने पे क्या होता है, हानि होता है, तो कितना है ये देखिए, 25 से 25 चौके 100, यानी कितना हो गया, 64x 64x, खरीदा कितना में था, अरे सॉरी, अंकित मूल्य कितना था, 100x, और ये अभी कितना में बेच रहा है, 64x में, यानी खरीदा 100 रुपया में, बेच रहा है 64 रुपया में, तो इसका रेशियो पूछा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक से एक्स कैंसिल, 4 से 25 बार में, 4 से ये 16 बार में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बुटमास से है, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन में करेंगे तो 9 - 4 यानी 5 हो जाएगा, 2 5 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 5 डिवाइड कर देंगे तो 2 2 से 2 कैंसिल, यानी 6 और यहाँ 5 बचा ना, 6 5 11, ऑप्शन एक यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, तो रमन का वेतन कितना है, तो यहाँ पर मान लेंगे ए रमेश और रमन दोनों एक ही है यार, नाम यार सही है, यहाँ रमेश हो गया, रमेश भी नहीं हुआ, एक्स वाई मान लेते हैं क्या, छोड़िए, रमेश ये कितना हो जाए, ए रमेश है, ये क्या है, रमन, ठीक है, क्या बोल रहा है, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, तो रमन का मान लेते हैं 100x है, तो इसका कितना है, 120x, तभी तो 100 होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, बोला यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है तो उसके वेतन का 75% है, 75% है, यानी रमेश का कितना है, रमेश का 33,750 रुपये बचा रहा है तो 75% है, यानी 75% बराबर कितना है, 33,750 है, तो 75 से इसको काटेंगे तो 75 से, सॉरी हम यहाँ थोड़ा सा गलत वे में जा रहे थे, 75% तो बोल रहा है लेकिन किसका बता रहा है भाई, तो उसके वेतन का ना, तो वेतन हम क्या माने हैं, रमेश का वेतन कितना यहाँ पर माने हैं, 120x, तो 120x का 75% बराबर ये होगा ना 33,750, ठीक है, 33,750। अब इसका सोल्यूशन करेंगे यहाँ से, एक्स का 120x है ये, ठीक है, 120x का 75% इतना है, अब यहाँ सोल्यूशन करेंगे, 10 से 10 ख़त्म, 75 से ये कटेगा अभी, ठीक है, 75 से 25 से 3 बार में ये कट जाएगा, 25 से ये
चार बार में कट जाएगा। अब चार से ये तीन बार में कट जाएगा, ठीक है। अब तीन से ये काट तीतरी के नौ काट देते हैं, नौ से नौतिया सत्ताईस, क्योंकि यहाँ पॉइंट वगैरह मैंने दिया है तो एकूरेट कटेगा ये, तो नौतिया सत्ताईस बचा कितना, सत्ताईस छः बचा, छः बचा तो छः सात, तो नौ फते तिरसठ, चार बचा नौ पचे पैंतालीस, यानी 375 आ रहा है। यहाँ पर एक्स बराबर क्या आ गया, 375। तो क्या पूछ रहा है, तो रमन का वेतन कितना है, तो रमन का वेतन यहाँ पे कितना है, रमन का वेतन 100x है, तो 100 का मान हम लोग आ गया 375, तो 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा रमन का, तो 375 पे डबल जीरो किधर है, ऑप्शन चार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसमें कोई डाउट होता है ना तो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा वो हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड मास्टर टाइप पे आइए, ठीक है। 512 का 64%, 512 का 64% प्लस 215 का 46%, 215 का 46%, तो इसका मान निकाल लेना है। तो 512 इसको गुणा करना पड़ेगा, कुछ कुछ को मतलब भाई मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 512 100 को मत काटिए, 100 से काटेंगे तो दशमलव बैठाने में अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो 100 को मत काटिए, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनका गुणा कर लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए, बटा में 100 लिख के दो उनको पहले दशमलव कर लीजिए। तो यहाँ पे गुणा करेंगे आप तो आपको 512 इंटू 64 करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा आपको, 32768, 32768 2200 प्लस 215 से 46 में करेंगे तो शायद आएगा 9890 बटा में 100। अब हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे आपको तो 426 58 आएगा, 426 58 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो अंक है तो दो अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे, यानी 426 58 इसमें है ऑप्शन दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या दिया इसमें, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल, यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति के चाल के 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो पहले चाल कितना हो जाएगा, 600 मीटर लंबी है और 20 सेकेंड में पार कर रही है, तो ये चाल कितना हो जाएगा, इसमें दो हो रहा है ना, तो चाल कितना हो जाएगा, चाल पहले का चाल कितना हो जाएगा, तो 600 बाई 20 यानी कितना हो गया ये, 30 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, क्योंकि मीटर है यार सेकेंड में कट गया ये। अब देखिए नया क्या बोल रहा है, यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल का 5 गुना है, व्यक्ति का चाल का 5 गुना है, तो रेलगाड़ी की चाल अगर x होगा, मान लेते हैं कौन कलर, रेलगाड़ी की चाल अगर x होगा तो व्यक्ति का चाल कितना होगा, एक्स बाई फाइव, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना, यदि रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है तो हो गया, दोनों को चाल का जोड़ देंगे तो कितना बता रहा है, 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 5x ये हो जाएगा, ये इधर से जाएगा इधर, ये 5x प्लस x यानी कितना हो जाएगा, 6x, ये 5 अब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6x = 150, 6 से ख़त्म हो जाएगा कितना बार में, 6 कम 6 दुना के 12, 6 5 30 यानी 25 बार में, x = कितना आ गया हमारा, 25 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। अब आंसर दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, देखिए मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए क्या कहा जाता है, करना तो 18/5 से ही बुरा, सॉरी 18/5 का ही है, मतलब 18/5 का ही वो है, अगर छोटा से बड़ा हम करना है तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, अगर बड़ा से छोटा करना है तो छोटा वाला ऊपर रहेगा, तो यहाँ मीटर से किलोमीटर बड़ा है तो क्या करेंगे, बड़ा वाला को ऊपर करेंगे, ठीक है, बड़ा वाला को ऊपर करते हैं यहाँ पे, तो 25 × 18/5 करेंगे तो 5 से 5 बार में कट जाएगा, 5 × 18 = 90 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से मतलब दर संयोजित है, सॉरी वार्षिक रूप से संयोजित है, क्रमशः 12,000 रुपये और 14,000 रुपये हैं, तो मूलधन कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
ये दोनों का अंतर मतलब एक साल का अंतर आ जाएगा यहाँ पे 12,000 और 14,400 का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2400। ठीक है 2400, ये 12,000 रुपया जो है साधारण ब्याज कितने वर्षों का है, 2 वर्षों का है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 6,000, मतलब 6,000 का ही मिल रहा है। तो 6,000 पे ही 2400 रुपया एक साल में बढ़ रहा है ना, 6,000 का ही मतलब 2400 रुपया बढ़ रहा है, 2400 रुपये बढ़ रहा है, 6,000 का 2400 है जो कितना प्रतिशत है, तो 6 यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे तो यहाँ से यह आ जाएगा क्या बोलते हैं हमारा 8 निकल जाएगा यानी 10 निकल जाएगा, 6,000 का 1% बराबर 2400। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 खेल, 1 0 से 1 0, 6 से 4 बार में, यानी एक्स बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 2 0 से 2 0 3 0, 2 1 3 0, 6 4 24, यानी यहाँ पे 40% आ गया क्या। हाँ तो सही है, ठीक है यहाँ से कितना आ गया और हमारा 40% आ गया। ठीक है यहाँ तो क्लियर, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं मूलधन हमारा कितना है, मान लेते हैं 100x। ठीक है आर दे दिया 40%, एक से आया मतलब ये आर दे दिया, आर बराबर एक्स मान लेते हैं। ठीक है आर दे दिया हमारा 40% आ गया। टी कितना दिया है 2 वर्ष, ठीक है टी दिया है 2 वर्ष। तो अब यहाँ से अगर एसआई निकालेंगे, एसआई निकालेंगे कितना हो जाएगा, चक्र विधि व्याज बड़ा होता है ना इसलिए एसआई निकालते हैं, थोड़ा सा अच्छा पड़ता है। पी आर टी यानी 100x इंटू आर कितना है 40%, टी कितना है 2 वर्ष बटा में 100, हो गया यहाँ तक क्लियर अभी। ठीक है एसआई, एसआई के जगह पे हम इसको ये मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है एसआई के जगह पे मिटा देते हैं क्योंकि एसआई हमारा दिया है ना, एसआई कितना है 2 वर्ष का एसआई दिया है क्वेश्चन में 12,000, कलर चेंज करते हैं कितना है 12,000। अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है 1 0 से 1 0, 4 दुना के 8, 4 दुना के 8, 8 से कितना मान कर जाएगा 150 बार में, तो एक्स बराबर यहाँ पर कितना आ गया हमारा 150। अब क्या पूछ रहा था यहाँ पे, तो मूलधन क्या है, तो मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन कितना माने थे हम 100x, तो एक्स बराबर 150, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा 150, 100x यानी 00 बढ़ जाएगा यानी 15,000। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, मिश्रण कितना है मिल्क और वाटर, यानी मिल्क हो गया ये हो गया वाटर, कितना है 2:3 में है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है यानी केवल मिल्क मिलाया जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है जिसके कारण दूध और पानी का मात्रा 10:3 हो जाता है, तो प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। तो इसमें देखिए पहले कितना था, ये 5 था, इसमें दूध मिलाया गया है तो दूध कितना अनुपात मिलाया गया है 8:1 मिलाया गया है, तभी तो 10 हुआ है। ठीक है तो कितना मिलाया गया है 8, तो 8 मिलाया गया है, पहले कितना था 5 × 100, पहले मिश्रण 5 था ना, तो पहले 5 मिश्रण था, इसमें 8:1 केवल दूध बढ़ाया गया है, तो बोल रहा है प्रतिशत प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत में मतलब इसमें कितना दूध बढ़ाया गया मतलब मिलाया गया, तो 8 मिलाया गया किस में 5 × 100 कर देंगे, 5 से 20 बार में कट जाएगा 20 × 8 160, ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपया है, यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है ये, तो हम यहाँ मान लेते हैं सीपी कितना हमारा, क्या पूछ रहा है पहले अंकित मूल्य पूछ रहा है, ठीक है तो हम सीपी मान लेते हैं कितना 100x, ठीक है सॉरी अंकित मूल्य पूछ रहा है ना, तो सीपी नहीं अंकित मूल्य ही मान लेते हैं, ठीक है अंकित मूल्य कितना मान लेते मैं 100x। ठीक है अब क्या बोल रहा है, इस पर 35% की छूट दी जाती है, तो 100x पर 35% की छूट दी जाएगी तो कितना बचेगा मानी 65%, तो 65% तो क्या कितना बच रहा है, 35% छूट देने पर कितना बिक्री हो रहा है, तो 1690 रुपया में, यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2 0 से 2 0 ख़त्म, 65 से कितना बार कटेगा चाहे रुकिए यहाँ से ऐसे काटते हैं, ठीक है यहाँ से ऐसे काटते हैं, 5 से ये 20 बार में, 5 से 13 बार में,
13 से ये 13 बार में कट जाएगा यानी 130 बार में कटेगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो यानी कितना हो जाएगा, x बराबर आ गया हमारा 26, x बराबर 26 आ गया। तो वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना माने थे, 100x, तो 100 से गुणा कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 2600, ऑप्शन एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद कैन डू, इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अरविंद कैन डू अ वर्क 20 डेज एंड बच्ची इन 22 डेज इफ़ दे वर्क ऑन इट टूगेदर फॉर 5 डेज देन दे फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डेट लेफ्ट। अब ये क्या बोल रहा है कि एक अरविंद है जो कि काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, करता है, और बक्सी जो है वो कितने दिन में करते हैं, 22 दिन में कर सकती है। तो एक साथ काम टोटल काम पहले निकाल लेते हैं, तो 20 और 22 निकालते हैं कितना हो जाएगा, तो 22 दिनों 44, 44 दिनों 20, 240, रुक जाएगा 220। ठीक है, 220 टोटल काम हो गया। एक एफिशिएंसी निकालने का मतलब क्षमता इसका निकाल लेंगे कितना कर सकता है एक बार में, तो ये कितना करेगा ये, तो 20 से कितना बार में कर जाएगा, तो 20 से 0 खत्म है, 2 से 11 करेगा ये, बी कितना कर देगा, तो ये 10 कर सकता है एक बार में। अब क्या बोल रहा है कि इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर, मतलब एक साथ 5 दिन तक वो काम करते हैं, तो 11 10 एक दिन में कितना करेंगे, मान लीजिए 220 सेट है और एक दिन में ये 11 ढो सकता है, बी 10 ढो सकता है, तो दोनों एक साथ ढो रहे हैं जो कि 5 दिन साथ में ढो रहे हैं, तो 11 10 21 21 × 5 यानी 105 ईंट ये क्या करेंगे, ढो देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, मतलब कितना काम अभी बचा हुआ है उसका वो बताना है। ठीक है, तो अब देखिए 105 काम तो हो गया, कितना बचेगा, तो 115 काम बचेगा। अब बोल रहा है क्या कि कितना काम बचा है उसका लेफ्ट, मतलब कितना और कैसे करेंगे, मतलब कितना काम बचा हुआ है, तो 115 बचा हुआ है फ्रैक्शन में कितना, 220 का। ठीक है, 115 ईंट बचा हुआ है 220 में से, इसको कर देंगे आप, तो 23 बटा 44 दिया है क्या, हाँ यहाँ पे दिया है। ठीक है, 23/4 नहीं है, 44 है, ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 23/44। 17, अरे यार ये क्या हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात, यहाँ पे आया था, ठीक है, आय और व्यय का अनुपात 19:13 है। यदि परिवार का व्यय 29,510 रुपया है तो उस परिवार की बचत ज्ञात करें। तो देखिए आय और व्यय, आय मतलब आमदनी 19 है, 19x है, और खर्च कितना है, 13x है, कितना ये करेंगे, क्या बोलते हैं, बचत कितना होगा, 19 रुपया कमा रहे हैं, 13 रुपया खर्चा कर रहे हैं, यानी बचत कितना हो गया, 6x। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, परिवार का व्यय यानी 13x, व्यय है ना, एक्सपेंडिचर 13x, तो 13x बराबर दिया है आपको कितना, 29,510, 13 से कटाएंगे, 13 × 26 3 बचा, 3 × 5 13 13 × 26 9 बचा 13 × 7 91 ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये एक्स बराबर यानी एक्स बराबर कितना आ गया, इतना बचत कितना है, 6x, तो इसको 6 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7×6=42। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7×6=42 यानी इसमें ऑप्शन पे भी ध्यान देते रहना एग्जाम हॉल में। ठीक है, 7×6=42 हम किए तो यानी ऑप्शन दो एक ही है, दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी आ जाएगा 13,620। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज कितनी है। मान लेते हैं वो धनराशि एक्स था, 20 वर्षों में बोल रहा है, 20 वर्ष 8% का दर से बटा में 100 कितना है, तो अपने का 2/5 है यानी राशि एक्स था, तो 2x/5 हो जाएगा। अब काट देंगे यहाँ से, 1, 20, 25, 100, 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, यानी r बराबर कितना आ गया हमारा, 2%, ऑप्शन तो इधर नहीं है, चलिए आगे होगा, यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा, 2%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे है इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है, 40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचने चाहिए। अब देखिए 1 रुपया यानी कितना, 100 रुपया में, अरे सॉरी 100 पैसा में कितना, 35। एक कलम का दाम निकाल लेंगे तो कितना में हो जाएगा ये, इसको आपको हो जाएगा अगर करेंगे तो 2.1, पिछला बार पूछा था 8.5 पैसा पर पेन, ठीक है 2.85 पर पेन। 40% प्रॉफिट बोल रहा है, 40% प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए कितना बेचना होगा, यानी 140 पैसा में कितना बेचना है हमको, 35 कलम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 35 से कट जाएगा कितने बार में, 35 दिन 70, यानी 4 बार में कट जाएगा, यानी एक कलम को उसको कितना बेचना है, 4 पैसा में, ठीक है एक कलम को 4 पैसा में बेचना है। तो 1 ही रुपया में कितना बेचना चाहिए ना, तो 1 पैसा में 4 कलम बेच सॉरी 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 4 पैसा में 1 कलम क्या हो रहा है मेरे साथ, 140 पैसा में 35 पे में बेचना है, पेन पेन दोनों पैसा पेन है की हो जा रहा है, तो एक में कितना हो जाएगा, 35 35, तो पैसा सबसे पहले कलर चेंज करते हैं, क्या आप कितना हो गया, देखिए इसको 140 पैसा में कितने बेचने हैं, 35 पे पेन को बेचना है, ठीक है ये पैसा है ये पेन है कलम। अब क्या होगा, 4 यानी एक कलम को सॉरी 4 पैसा में कितना, एक कलम हुआ ना, तो 100 पैसा में कितना, तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है बनाते बनाते पूरा, ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 35 कर्मचारियों की औसत आय के रुपया है, यानी 35 के। अब क्या बोल रहा है, यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 19,000 रुपया हो जाता है, यदि प्रबंधक का आय तो औसत आय क्या हो जाता है, 19,000 रुपया हो जाता है, 19,000 × 36। यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपये है, प्रबंधक का आय भी मिल गया हम लोगों को, प्रबंधक का आय कितना हो जाएगा, 54,000। अब 19,000 कोई सोच रहा होगा 36 क्यों लिखा, तो पहले 35 कर्मचारी थे उसमें प्रबंधक का आ गया तो 36 हो गया ना, प्रबंध देखिए पहले 35 कर्मचारी थे तो उसका 35 क्यों हो गया, प्रबंधक का जोड़ दिए तो 54,000 प्रबंधक का है, प्रबंधक आ गया तो 36 हो जाएगा, औसत नया औसत कितना हो जाता है, 19,000। अब देखिए यहाँ पर क्या निकलना है, तो के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान आप लोग यहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है तो मैं भी कर ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है अगर गुणा करेंगे 36 से आपको इतना में तो आपको आ जाएगा 684,000, ठीक है ये आ जाएगा 684,000, फिर इसमें 54,000 घटाएंगे बचेगा 630,000, ठीक है इसको 35 से काटेंगे तो 35 से एक कट जाएगा कितना बार में, तो 18,000, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरे सॉरी आज यहाँ लास्ट होता है, ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, ठीक है इसको स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा।